नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में रॉयल साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और प्रश्न लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में यह पूछा गया था। प्रश्न यह है कि भ्रूण के तीन प्रारंभिक जनन स्तर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनको बताएं। आपसे ऐसे पेपर में पूछ सकता है, आपसे पूछिएगा मानव भ्रूण के तीन प्रारंभिक जनन स्तरों का वर्णन कीजिए। क्लियर? तो यदि जो भी प्यारे साथी हमसे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आपको यह प्रश्न क्लियर अच्छे से समझ आ जाए। तो मानव भ्रूण के तीन प्रारंभिक जनन स्तर की बात करें तो एक्टोडर्म पहला, सेकंड मीजोडर्म और दूसरा एंडोडर्म होता है। ठीक है, एक्टोडर्म यह त्वचा की एपिडर्मिस यानी बाह्य सरफेस को, ऊपरी हिस्से को बनाता है, और यह त्वचा की ग्रंथियों, बाल, नाखूनों को बनाता है, तंत्रिका तंत्र का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। यह एक्टोडर्म लेयर अधिवृक्क ग्रंथि का मेड्यूला, पीयूष ग्रंथि का मध्य पिंडक, नेत्र तथा नेत्र के भागों का निर्माण भी कौन करता है, तो एक्टोडर्म करता है। ठीक है, जो कि पहला जननिक स्तर है किसका, भ्रूण का, और अंतःकरण एवं लार का भी फॉर्मेशन एक्टोडर्म करता है। प्यारे साथियों, सेकंड देखते हैं हम मीजोडर्म। मीजोडर्म की यदि बात करें तो यह मध्य स्तर होता है, ठीक है, भ्रूण का की त्वचा का। तो यह क्या करता है, त्वचा की डर्मिस का निर्माण करता है, डर्मिस का निर्माण, ठीक है, करता है। सेकंड क्या करता है, यह पेशियां तथा संयोजी ऊतकों का निर्माण करता है, यानी क्या करता है, पेशियां तथा संयोजी ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, संयोजी ऊतकों का निर्माण करता है, क्या करता है, और नेक्स्ट क्या करता है, यह तीसरा पेरिटोनियम वृक्क का निर्माण करता है, वृक्क का निर्माण करता है, यानी वृक्क को एक झिल्ली ढके रहती है, कवर करे रहती है, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। और क्या करता है, यह जनद यानी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। मीजोडर्म क्या करता है, जनदों का निर्माण करता है। ठीक है, और क्या करता है मीजोडर्म, हर्ट यानी हृदय की रुधिर वाहिनियां तथा लिम्फ वाहिनियों को बनाता है, तथा लिम्फ वाहिनियों का निर्माण करता है, कौन, मीजोडर्म लेयर। ठीक है, और क्या करता है, आहार नाल के पेशीय स्तर को बनाता है, क्या बनाता है, आहार नाल के पेशीय स्तर को बनाता है। ठीक है, बनाता है, तथा साथ ही हृदय का प्रूरर का निर्माण करता है, साथ ही हृदय के प्लूरल का निर्माण करता है। अब प्लूरल क्या होता है, यानी हृदय को एक झिल्ली कवर करे रहती है, जिसे प्लूरल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं एंडोडर्म। तो एंडोडर्म की बात करें तो यह क्या करता है, आहार नाल के भीतरी स्तर को बनाता है। ठीक है, भीतरी स्तर को बनाता है। और क्या करता है, सेकंड एंडोडर्म, यह सबसे अंत स्तर है, सबसे मध्य पीछे का यानी एंड का स्तर है, अंत स्तर कहते हैं इसको, एंडोडर्म को हिंदी में। और क्या करता है, यह आहार नाल की ग्रंथियों का निर्माण करता है, ग्रंथियों
का निर्माण करता है। जैसे ग्रंथियां मतलब यकृत, लीवर कहते हैं इसको अंग्रेजी में अग्नाशय, अग्नाशय इनका फॉर्मेशन करता है कौन, एंडोडर्म इनको बनाती है, इनका फॉर्मेशन करती है। और क्या करती है एंडोडर्म लेयर, प्यूस प्यूस कोमा थायराइड, थायराइड कोमा फिर पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथियों का निर्माण करती है। एंडोडर्म क्या करती है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथि का निर्माण करती है। क्लियर। और कौन करता था पीयूष ग्रंथि का निर्माण, एक्टोडर्म लेयर भी करती थी। और क्या करती है नेक्स्ट, अगला पॉइंट, श्वास नली, श्वास नली तथा फेफड़ों का भीतरी स्तर बनाती है, भीतरी स्तर बनाती है। तो जो एक्टोडर्म है, सॉरी जो एंडोडर्म है, ये क्या करती है श्वास नली तथा फेफड़ों का भीतरी स्तर भी बनाती है। अब हम इनको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर पूछे मानव भ्रूण के तीन प्रारंभिक जनन स्तरों का क्रम बताएं बाहर से अंदर की ओर, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। क्लियर। त्वचा की एक्टोडर्म क्या करती है, त्वचा की एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। त्वचा की ग्रंथियां जैसे बाल, नाखून का फॉर्मेशन, तंत्र का निर्माण करती है। अधिवृक्क ग्रंथि का मेड्यूला, पीयूष ग्रंथि का मध्य पिंडक बनाती है। नेत्र तथा नेत्रों के भाग का फॉर्मेशन निर्माण करती है। अंतःकरण एवं लार का निर्माण करती है कौन, एक्टोडर्म। अब मीजोडर्म, यह त्वचा की डर्मिस यानी त्वचा के जस्ट नीचे के इस परत को बनाती है। यह पेशियां तथा संयोजी ऊतकों का निर्माण करती है। पेरिटोनियम वृक्क का फॉर्मेशन यानी निर्माण करती है और जनदो यानी सेक्स ऑर्गनों का निर्माण करती है। साथ ही हरट की रुधिर वाहिनियां तथा लिम्फ का निर्माण करती है कौन, मीजोडर्म। आहार नाल के पेशीय स्तर को बनाती है कौन, मीजोडर्म। हृदय के प्लूरल का भी फॉर्मेशन करती है मीजोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म की बात करते हैं हम जल्दी से। आहार नाल के भीतरी स्तर, आहार नाल की ग्रंथियों, यकृत और अग्नाशय इन सभी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, पीयूष थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथियों का भी फॉर्मेशन करती है कौन, एंडोडर्म लेयर। यह श्वास नली तथा फेफड़ों का भी भीतरी स्तर बनाती है एंडोडर्म। तो मैं इतनी सी आशा करता हूँ कि आप सभी साथियों को भ्रूण के तीन प्रारंभिक जनन स्तर बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो थैंक यू, जय हिंद।